देखिए प्रश्न संख्या सात, और प्रश्न संख्या सात में देखिए आप टेबल बना लीजिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या सात की बात कर रहे हैं, सात में सात आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न संख्या आठ की। ठीक है, आठ नंबर का प्रश्न, आठ नंबर का प्रश्न, और आठ नंबर के प्रश्न में निम्न समांगी से सामग्री विचलनों की गणना कीजिए। निम्न निम्न लिखित समांगों से सामग्री विचरण की गणना कीजिए। सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। सामग्री विचरणों की क्या करनी है? गणना करनी है। और आपको स्टैंडर्ड दे दिया और आपको क्या दे दिया? एक्चुअल दे दिया। ठीक है, मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आपको दे दिया, मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 4 kg और इधर नहीं है, और आपको यहाँ दे दिया प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी मटेरियल ये दे दिए 5 kg, 5 रुपये, और इधर दे दिए 5.50। फिर आपको दे दिया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ठीक है, और प्रोडक्शन दे दिया आपको 1000 यूनिट, एक्चुअल की 1000 यूनिट्स। फिर आपको दे दिया मटेरियल यूज कितना आ रहा है, मटेरियल यूज्ड, और मटेरियल यूज हो रहा है 4300 kg। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न संख्या 8 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार से क्या हल करेंगे? प्रश्न संख्या 8। ठीक है, अब इस प्रश्न संख्या 8 में देखिए आपको सबसे पहले आपको यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दी हुई, क्लियर? तो यहां पर आपका प्रोडक्शन कितना है? 1000 यूनिट है। तो देखिए एस क्यू आपकी 1000 × 4 kg के हिसाब से कितनी आ जाएगी? 4000 kg। ए क्यू आपको दे रखी है कितनी? 4300 kg। ठीक है, ये 4000 kg। यहां पर आपका जो है मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड में आपका एसपी आपका आ जाएगा 5, और जो एपी है वो आपका आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको एमसीवी, फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना पड़ेगा, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी, क्लियर? ये फॉर्मूला अप्लाई करके, तो देखिए यहां पर एस क्यू आपकी आ जाएगी 4000 इकाई, इंटू एस पी आपकी है 5 माइनस 4300 इंटू एपी आपकी कितनी है? 5.50। तो ये आ गया आपका 20000 माइनस 4300 इंटू 5.5। देखिए 4300 इंटू 5.50 तो ये आ गया 23650, तो ये आ गया 3650 आपका एडवर्स आंसर। एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका 3650 एडवर्स आ गया। नंबर 2 की बात करें तो 2 में आप निकाल सकते हो, इसमें 2 नंबर पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और वही ए क्यू एस पी माइनस एपी, क्लियर? तो यहां पर देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एस क्यू आपको दे रखा है कितना? ए क्यू आपको दे रखा है 4300 यूनिट, एस पी 5 है, ये 5.5 है, तो 4300 इंटू 5.50 कर लीजिए, तो देखिए 4300 इंटू 5.50 ये आ गया 23600, 4300 इंटू 0.50 ये आ गया 2150, 2150 आपका एडवर्स आंसर आ गया। फिर उसके बाद देखिए आपका इसमें थर्ड नंबर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, यूजेज वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था एस क्यू माइनस ए क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें आपका एसपी दे रखा है वही 5, और ये आपकी 4000, और ये आपकी 4300, तो 300, 500 और ये 300, ब्रैकेट में 300, तो ये आपका 1500 एडवर्स आपका किसका आंसर आ गया? मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाएगा 1500
एडवर्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 नंबर का प्रश्न आपका यहां पर कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 8। क्लियर हो गई बात, प्रश्न संख्या 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, 9 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, एक सामग्री ए 80 किग्रा दो रुपए प्रति किग्रा प्रमाप दर, सामग्री बी के लिए 40 किग्रा 5 रुपए प्रति किग्रा प्रमाप दर, 100 किग्रा रसायन का उत्पादन करने में प्रयुक्त की गई। एक माकी ए 70 किग्रा 2.10 प्रति किग्रा तथा सामग्री बी की 50 किग्रा 4.5 रुपए प्रति किग्रा वास्तव में प्रयुक्त की गई और रसायन उत्पादन का 102 किग्रा हुआ। सामग्री विचरण क्या करना है आपको याद करना है। क्लियर, तो देखिए आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, प्रश्न संख्या 9 को, प्रश्न संख्या 9। देखिए आप सबसे पहले इसमें टेबल बना लीजिए। टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले तो इसमें देखिए सामग्री है मटेरियल, ठीक है मटेरियल, यहां पे आपका क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में SQ और आपका SP, यहां पर TSC टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, यहां पर AQ आ जाएगा, AQ AP आ जाएगी, एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, यहां पर आपका ये आ जाएगा एक्चुअल, और यहां पर आपके पास आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल स्टैंडर्ड। अब देखिए आपको यहां पर इन्होंने दिया है मटेरियल ए और बी, एक तो ए मटेरियल एक बी, तो ए मटेरियल के लिए 80 और यहां पर 80 किग्रा यहां पर 40 किग्रा, रेट आपको दे दी 2 रुपए और 5 रुपए। तो ये तो आ गया 160, ये आ गया 200, ये टोटल हो गया 360, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे दी 70 2.10 के हिसाब से, और दूसरी बी की दे दी 50 किग्रा और 4.5 के हिसाब से, 4.5, तो ये आपका 120 हो गया, 120, और ये आपका क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यहां पर 70 × 2.10 ये आ गया 147, और 50 × 4.50 ये आ गया 225, टोटल करेंगे प्लस 147 तो ये आ गया 372। अब आपको देखिए यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, क्या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसके योग के बराबर आएगी हमेशा, तो आप क्या करेंगे 80 डिवाइड बाय 100 × 70, तो ये आ गई 56, और इसमें 40 देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइड बाय 100 × 120 इक्वल टू 56, और आपकी ए के लिए ठीक है, और बी के लिए निकालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 100 × 120 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 100 × 40 डिवाइड बाई 100 × 120 ये आ गया 48। 48 और 56 जोड़ लीजिए वही 120, देखिए 40 डिवाइड बाई 100 × 120 48, और 80 डिवाइड बाई 100 × 120 96 आएगा, ये 96 और 48 120, और 40 डिवाइड बाई 100 × 120 ये 48 70 और 50 80 और 40, अच्छा ये 120 हो रहा है ना, ये 120 आ रहा है, 120 ये दोनों का, ये 80 और 40 120 ही हो रहा है, तो ये देखिए वही आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा,
80 डिवाइड बाई 120 इंटू 120 वही आएगी आपकी 70 और 50, वो सॉरी 80 और 40 आ जाएगी, 120 है ये, 120 तो 120 से 120 गया तो ये आ गई 80 और ये आपकी आ गई कितनी 40। क्लियर हो गई बात। ये पर्सन संख्या आपका नो नंबर का पर्सन है, इसमें टेबल मैंने आपको बना दी किस प्रकार से आपको टेबल कैसे बनानी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें आपको सबसे पहले सामग्री विचरणों की गणना करनी है। सबसे पहले पहले आपसे इसने पूछा है, देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरियंस निकालना पड़ेगा, देखिए किस प्रकार से आउटपुट है वो आपको देखिए। आउटपुट यहां पर एक तो दे दिया कितना 100 और यहां पर आपको दे रखा है 102। क्लियर। तो सबसे पहले आपको यहां पर निकालना पड़ेगा नंबर वन प्रायोरिटी पे एमसीबी, एमसीबी वही आप टीएसी कर सकते हैं, माइनस टीएसी माइनस टीएससी माइनस। तो सबसे पहले आप यहां पर आउटपुट बराबर करेंगे, देखिए आउटपुट बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले पर्सन संख्या 9 में। तो आउटपुट बराबर करने पर तो देखिए 80 ए के लिए और ए बी के लिए डिवाइड बाई 100 इंटू 102 और 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 102। तो देखिए ये आपका आ गया 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 102, ये आ गया 81.60 और ये आ गया 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 102, ये आ गया 40.80। ठीक। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, कॉस्ट वेरियंस वही एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है, ए है और आपका क्या है बी है, तो एस क्यू आपका आ गया 81.60 इंटू एस पी है आपकी 2 और इधर बी का आ गया आपका 40.80 माइनस ए क्यू आपकी है 70 और इधर है 50 इंटू एस ए, ये है 2.10 और ये है आपकी 4.50। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.60 इंटू 2 या 163.2 माइनस 70 इंटू 2.10 147 माइनस 163 16, तो ये आ गया 16 फेवरेबल यहाँ पर और ये आ गया 40.80 इंटू 5, तो 40.80 इंटू 5 या गया 204 और माइनस 50 इंटू 4.5 225, तो 225 माइनस 204 इक्वल टू 21 आपका ये आ जाएगा एडवर्स, तो ये आ गया आपका माइनस 16 5 एडवर्स आंसर आएगा। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर है वो एडवर्स है प्रश्न संख्या 9 में 4.80, वो 5 एडवर्स मान लो 4.80 या 5 जो भी आ रहा है। ठीक है, 4.80 16.20 और ये आया आपका 21, ये आपका यहाँ पर आ रहा है देखिए 16.20 आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा एग्जैक्ट वो कितना 4.80
एडवर्स, ठीक। एग्जैक्ट अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांच एडवर्स लेते हैं तो भी आपका आंसर सही है, क्लियर है, ठीक है, अगर आप पॉइंट में ना लेकर वैसे लेते हैं तो, ठीक है। अब आपका नंबर दो नंबर देखिए क्या पूछा है इसने, दो नंबर पर्सन संख्या दो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, वही ए और वही बी। तो देखिए ये आपकी थी 70 और इसकी आपकी थी ये कितनी 50। एसपी आपकी यहाँ 2 रुपये, यहाँ 2.10 रुपये, तो ये तो आपका आ गया 7 एडवर्स। और यहाँ पर देखिए एसपी दे रखी है 5 और ये दे रखी है 4.5, तो 0.50 × 50.50। देखिए 70 × 0.10 7 हो गया और 50 × 0.50 ये 25 आ गया, 25 आपका ये फेवरेबल आ गया। तो आपका 25 में से 7 गया तो 18 आपका फेवरेबल आंसर आ जाएगा, फेवरेबल आंसर नंबर दो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का 18 फेवरेबल, क्लियर। नंबर तीन देखिए, नंबर तीन मटेरियल यूजेज वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वही ए क्यू वही एस पी, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ए का और आपके बी का। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस है वो आपको दे रखी है 2, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी आई 81.60 माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी है 70, यहाँ पर ये 5 है और ये है 40.80 माइनस 50, ठीक है। तो देखिए 81.60 माइनस 70 × 2 ये आ गया 23.2, ये आ रहा है फेवरेबल आंसर, और 40.80 माइनस 50 तो ये आ गया 9.2 × 5 46, 46 आपका एडवर्स आ रहा है। तो आप देखिए माइनस 23.2, तो 46 माइनस 23.2 22.8 आपका एडवर्स आंसर आ जाएगा, 22.8 एडवर्स। मटेरियल नंबर चार, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर लीजिए, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो आपके लिए फॉर्मूला था एसपी एसपी आरएसक्यू माइनस एक्यू, यही फॉर्मूला था आरएसक्यू माइनस एक्यू। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आरएसक्यू माइनस एसक्यू, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आरएसक्यू माइनस एक्यू, एक क्यू, क्लियर। तो देखिए क्यू माइनस एक क्यू, तो यहाँ पर ए और एक है आपका बी, तो एस पी वही 2 है, इधर इसकी कितनी है 5 है, आर एस क्यू 80 है, ये 70 है, तो ये तो आ गया 10 20 फेवरेबल, और ये है आपकी 40 और ये है 50, तो ये आ गया 50 एडवर्स। तो ये आपका 30 आंसर क्या आ गया एडवर्स, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का 30, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का 30 एडवर्स आ गया। अब देखिए इसमें आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड दोनों प्रश्न में दिए हुए हैं, एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड दे रखा है, और आपको केवल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे तो 360 डिवाइड बाई 100 का भाग दे दीजिए, 360 डिवाइड बाई 100, तो देखिए आपका नंबर 5 नंबर पे आपको मटेरियल इल्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है मटेरियल इल्ड वेरिएंस 5 नंबर पे, देखिए 5 नंबर मटेरियल इल्ड वेरिएंस इक्वल टू एस सी
ए वाई माइनस एस वाई। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी, 360 डिवाइड बाई 100, तो 3.6 तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, और एक्चुअल इल्ड आपको 102 था, ये 100 था, तो ये 3.6 × 2 7.2 आपका फेवरेबल आंसर आ जाएगा मटेरियल इल्ड वेरियंस का, 7.2। तो ये आपका प्रश्न संख्या नंबर कौन सा हो गया, 9 नंबर का प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर और देख लीजिए, प्रश्न संख्या 10। दस नंबर का प्रश्न है, दस नंबर का प्रश्न है, और दस नंबर के प्रश्न में देखो इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन संख्या 10। 10 में ये इसकी जगह ये लो टेबल, ये सेम ही काम में आ जाएगी अपने, प्रोडक्ट मटेरियल केवल चेंज है, ए बी की जगह एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 10 में आपको दे रखा है ए की एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की प्रमाप मात्रा प्रमाप मूल्य नीचे दे रखे हैं, प्रमाप मात्रा और प्रमाप मूल्य दे रखे हैं। तो एसपी तो आपको दे रखा है 3 रुपए, और यहाँ पे दे दिया कितना 2 रुपए, और एक्स और वाई, और एक्चुअल आउटपुट है उत्पादन ए का 500 इकाई है, आउटपुट ये कह रहा है कि 500 आउटपुट है, वो कितनी है 500 इकाई है, तो 500 इकाई इंटू 2 कर लीजिए, क्लियर, 500 × 2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कितना 500 × आपको दे रखा था 2 kg के हिसाब से, तो 1000 kg यहाँ पर आ जाएगा, और 500 × 1 क्वांटिटी दे रखी है 4, तो ये आ जाएगा 2000, क्लियर, 2000, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर ये आ गया 3000, और यहाँ पर ये आ जाएगा 4000, तो ये यहाँ आ गया आपका 7000, ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है, देखिए एक्चुअल टोटल 1100 kg और 1800 kg, तो 1100 और 1800, ठीक है, 1100 और 1800, 2900 2900, ये आपकी आ गई 3000, ठीक है, ठीक। अब इसने टोटल कॉस्ट दे दी, तो 3410 / 1100, तो ये आ गया 3.1, ठीक है, और ये फिर इसकी टोटल कॉस्ट दे दी 3960 / 1800, तो आपकी एपी आ जाएगी 3960 / 1800, 2.2, तो ये इसने आपको दे दी 3410, और ये दे दी 3960, तो टोटल आपका देखिए 3410 प्लस 3960 इक्वल टू 7360, ये आपको टेबल दे रखी है, टेबल आपकी देखिए यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। अब आपसे इसमें जो भी पूछ रहा है, ठीक है, इसमें देखिए मटेरियल लॉस तो आपको दे नहीं रखा है, ठीक है, तो मटेरियल इल्ड तो आपको इस पर्सन में कैलकुलेट ही नहीं करना है, मटेरियल इल्ड वेरियंस तो आपको इस पर्सन में क्या है कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो सबसे पहले 4 फॉर्मूले आपको मेजर कैलकुलेट करना है, एक तो क्या, फर्स्ट तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू देखिए टीएसी माइनस टीएससी माइनस टीएसी,
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, तो 7000 माइनस 7360, तो इसका तो 360 आपका क्या आ गया, एडवर्स आंसर आ गया, 360 एडवर्स, 370 एडवर्स आ रहा है, 370 370, हाँ ये 370 आएगा, 370, तो ये 370, तो ये आ गया 370। इसका टोटल सही करेंगे, देखिए 7370 इसका टोटल आ गया। नंबर दो आपसे पूछा है मटेरियल प्राइस वेरियंस इक्वल टू ए क्यू एस पी माइनस ए पी, तो अब एक्स और वाई प्रोडक्ट है, तो इसकी ये है 1100 और इसकी दे रखी है 1800, तो एस पी है आपकी 3, इधर है 3.1, तो ये आ गया 110 आपका क्या आ गया एडवर्स, इधर 2 माइनस 2.2, तो 2.2 देखिए 0.2 इंटू 1800, ये 360 एडवर्स, तो टोटल देखिए ये 470 आपका क्या आ गया एडवर्स आंसर आ गया 470 मटेरियल प्राइस वेरिएंस का 470। उसके बाद देखिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस थर्ड, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है, तो एक्स और वाई प्रोडक्ट, एस पी देखिए यहाँ 3 रुपये है और यहाँ इसकी कितनी है 2 रुपये दे रखी है, तो यहां पर एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है देखिए 1000 और एक्चुअल क्वांटिटी जो दे रखी है वो 1100 दे रखी है, क्लियर। तो अब देखिए 100 बच गए, 100 इंटू 3 इक्वल टू 300 आपका क्या बच जाएगा एडवर्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए वाई में आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 2000 इकाई है और एक्चुअल क्वांटिटी है वो आपकी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी 1800 है, क्लियर, तो 200 इंटू, तो ये आपका आ जाएगा 400 फेवरेबल, तो ये आपका 100 फेवरेबल आंसर बचा है 3 में, प्रश्न संख्या 3, ओ सॉरी 3 नंबर के फॉर्मूले में आपका 100 फेवरेबल आया। फिर उसके बाद आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस नंबर 4, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस इक्वल टू एस पी एस क्यू माइनस आर एस क्यू, क्लियर, ये तो एक्स और वाई वही आपकी 3 और ये इसकी 2, एस क्यू आपकी है 1000 और इसकी है आपकी 2000। अब इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रश्न में कैलकुलेट करनी पड़ेगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आती है आपकी, देखिए इसका टोटल कितना आएगा 2900 आएगा, इसके टोटल के बराबर आएगा इसका टोटल, तो देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 भाग 3000 इंटू 2900, तो आ जाएगा 967 966.67 966.67 और इसकी रिवाइज स्टैंडर्ड 2000 भाग 3000 इंटू 2900, यह आ जाएगा 1933.33, ठीक। तो अब यहां पर देखिए आर एस क्यू एस की है 966.67 और ये है आपकी 1933.33, ठीक है, तो कर दीजिए 1000 माइनस 966.67 इंटू 3, तो ये आ गया 99.99 आपका, ये आ गया फेवरेबल, ठीक। और इसका देखिए 2000 माइनस 1933.33 इंटू इंटू 2, ये आ गया 133.34 फेवरेबल, तो टोटल कर दीजिए प्लस 99.99 इक्वल टू 233.33, तो फेवरेबल आ गया, ये 233.33 आपका फेवरेबल आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस।
और लास्ट आपका एक, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कौन सा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और मटेरियल जो मिक्स वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला आपको मैंने बता ही रखा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू एस पी और आर एस क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है, वही एक्स और वाई, तो ये तीन और ये इसकी दो, तो इसकी है 966.67 और ये 1933.33 माइनस 1100 और इधर हो जाएगा माइनस 1800, क्लियर। तो 133.33 इंटू दो, ये तो आ गया 266.66 फेवरेबल, ठीक, क्लियर। और इसका देखिए 966.67 माइनस 1100 इंटू तीन, ये आ गया 399.99 एडवर्स, माइनस देखिए 399.99 माइनस 266.66 इक्वल टू 133.33, आपका क्या आ जाएगा? एडवर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या कौन सा है? ये प्रश्न संख्या आपका पांच नंबर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका। यहां पर 10 क्वेश्चन मटेरियल वेरिएंस के कंप्लीट है, मटेरियल वेरिएंस, और इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। तो आपका जो था मटेरियल यील्ड वेरिएंस वो कैलकुलेट नहीं होगा।